प्रयागराज उमेश पाल हत्याकांड को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासत तेज है और इस सियासत के केंद्र में बाहुबली अतीक अहमद है। अतीक अहमद को लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी में आरोप प्रत्यारोप जारी है। बीजेपी और सपा के बीच जारी इस बयानबाजी के लपेटे में योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद कुमार नंदी भी आ गए हैं। दरअसल हाल ही में अतीक अहमद की बहन ने योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री नंद कुमार नंदी पर 5 करोड़ रुपए लेने और हत्याकांड की साजिश रचने का आरोप लगाया था, जिसके बाद से नंदी की अतीक के साथ एक फोटो भी वायरल है। इसको लेकर अब समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार को घेरा है। समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल के ट्विटर हैंडल से नंद कुमार नंदी और अतीक अहमद की फोटो और अतीक की बहन के द्वारा लगाए गए आरोपों की खबर का एक स्क्रीनशॉट शेयर किया गया है। इसके साथ लिखा है, योगी जी हत्या का षड्यंत्र आपके मंत्री भाजपा नेताओं ने रचा है। उमेश पाल के साथ जमीन के धंधे में अतीक और आपका मंत्री भाजपा नेता साझेदार हैं। एक तरफ भाजपा नेताओं ने षड्यंत्र करके उमेश को मरवा दिया और अतीक से लिए 5 करोड़ रुपए खा गए। आप सदन में सपा पर लगाए झूठे आरोपों पर माफी मांगिए। सपा मीडिया सेल के ट्वीट को अखिलेश यादव ने भी रीट्वीट किया है। सपा मीडिया सेल के एक अन्य ट्वीट में अतीक और नंदी के साथ वाली फोटो शेयर करते हुए लिखा, योगी जी सदन में गरज कर जिसे माफिया बता रहे थे उसी की गोद में योगी जी का मंत्री नंद कुमार नंदी बैठा है। माफिया से पैसे का लेन देन भी है इस मंत्री का। योगी जी की पोल खुल चुकी है, इनके मंत्रियों भाजपा नेताओं का चरित्र सामने है। सदन में सपा पर आरोप लगाने वाले योगी जी अब शर्म से चुप हैं। दूसरी तरफ अतीक की बहन आयशा नूरी के आरोपों पर नंद कुमार नंदी ने जवाब दिया है। उन्होंने इन आरोपों को बिना सिर पैर और मुद्दे को भटकाने वाला बताया है। नंदी ने ट्वीट कर लिखा, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कानून का शासन है। योगी सरकार अपराधियों और माफियाओं के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। उमेश पाल हत्याकांड में भी कार्यवाही पूरी सख्ती के साथ इसी दिशा में अग्रसर है। उन्होंने आगे लिखा, इसीलिए ये बेसिर पैर की बातें मूल मुद्दे से ध्यान भटकाने और गुमराह करने का असफल प्रयास मात्र है। ये तथ्यहीन अनर्गल और बेतुकी बातें हैं। मेयर चुनाव से इसको जोड़ना न केवल फिजूल है बल्कि हास्यास्पद भी है। बता दें कि प्रयागराज हत्याकांड में अतीक अहमद का नाम सामने आया है। इस मामले में अतीक अहमद के अलावा उसकी पत्नी शायस्ता परवीन, दो बेटे और भाई को भी आरोपी बनाया गया है, जिसके बाद अतीक की पत्नी ने सीएम योगी को एक खुला पत्र लिखा था। इसमें शायस्ता परवीन ने भी योगी सरकार के एक कैबिनेट मंत्री पर साजिश रचने का आरोप लगाया था। हालांकि उन्होंने नंद कुमार नंदी के नाम का खुलासा नहीं किया था, जिसके बाद सवाल खड़े हो गए थे, आखिर वो कैबिनेट मंत्री कौन है। सोशल मीडिया पर इसको लेकर चर्चा शुरू हो गई थी। इसके बाद अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी ने कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी और उनकी पत्नी महापौर अभिलाषा गुप्ता पर सीधे गंभीर आरोप लगाए थे। अतीक की बहन ने कहा था कि शायस्ता परवीन नगर निगम महापौर का चुनाव न लड़ सके इसलिए उन्हें फंसाया गया है। इस आरोप के बाद सूबे में सियासी हलचल तेज हो गई।